नमस्कार, अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मोहाली के फेज 7 में, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसने ना केवल ट्राई सिटी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है केमिस्ट्री की फील्ड में, बल्कि स्टूडेंट्स की जुबान पर यह नाम चढ़ चुका है। इंस्टीट्यूट का नाम है लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं, यहाँ जो मैडम है, मैडम अंजू जो फैकल्टी है, उनका भी नाम जो है हर स्टूडेंट स्कूल का हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हो, सभी नाम जान चुके हैं। आइए हम उनसे कुछ चीजें जानते हैं। सीबीएसई के एग्जाम कल शुरू होने जा रहे हैं और उसके कुछ दिनों बाद जेईई का एग्जाम है। मैडम से जानते हैं, मैडम अंजू से, कि किस तरह से बच्चों को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा ये एग्जाम, ताकि जो है वो बेहतर कर सके एग्जाम से। हेलो व्यूअर्स, सैटरडे को होने वाला जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए जो तैयारी हमने अपने बच्चों को करवाई है उसका पैटर्न हमने शुरू से एक जैसा रखा कि पहले आप थ्योरी वाला पार्ट पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद कंसेप्चुअल्स, देन न्यूमेरिकल्स। अब क्योंकि एक दिन बीच में बचा है तो हमें लगता है कि एक तरह की रिवीजन अभी बाकी है और उस रिवीजन में उन्हें मेन फोकस करना चाहिए फिजिकल के न्यूमेरिकल्स पर। सिर्फ दो ही लेसन फिजिकल के आ रहे हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखें तो वो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस उठाती हैं रीजनिंग टाइप, उसके लिए उन्हें पूरा लेसन पढ़ना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर आए तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इस बार पेपर में आने वाला है। अगर हम देखें तो सीबीएसई बोर्ड एक बहुत ही अच्छा बोर्ड माना गया जिसमें बहुत ही बैलेंस्ड पेपर बनाया जाता है, और ऑर्गेनिक को अगर हम 5 हिस्सों में बांट लें तो उसमें से सबसे पहला पार्ट आता है नेम रिएक्शंस, फिर डिस्टिंक्शंस, फिर रीजनिंग, फिर कन्वर्जन्स, और सबसे एंड में आते हैं फिलअप्स। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम देखें तो फिलअप्स आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को एक बार तीनों हिस्से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों को एक शॉर्ट रिवीजन जरूर देनी चाहिए। इस बार जो पैटर्न्स है मैम एग्जाम में सीबीएसई के और जो जेईई के एग्जाम्स होने हैं मेंस वाला और उसके बाद जो एडवांस है, किस तरह से चेंजेस हुए हैं, कुछ या कि सेम पैटर्न में रहेंगे? इस बार जो बोर्ड का सेमेस्टर 2 हो रहा है ये हमारे पुराने पैटर्न पर बेस्ड है। इसका मतलब कि फिर से आपको वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फिर दोबारा आने वाले हैं। इसका मतलब कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न था सेमेस्टर 1 में वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन वापस हमारा पुराने सालों वाला पैटर्न वापस आया है। रही बात जेईई मेंस और नीट की, तो जेईई मेंस और नीट में एक सिमिलैरिटी है कि उनमें सेक्शन ए आता है, 1 करेक्ट आंसर, लेकिन जेईई मेंस में एक सेक्शन और भी आता है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं जरूर कहूंगी कि जो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आप तैयार करके जा रहे हैं बिल्कुल वही आपको इंटीजर टाइप में भी मिलने वाले हैं। तो मैम आपका इंस्टीट्यूट जो है कंपटीशन बहुत है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मल्टी सिटी इंस्टीट्यूट भी है, आपका इंस्टीट्यूट कैसे बेहतर है उनसे, दूसरे वालों से? लगभग 30 साल हो चुके हैं मुझे कोचिंग देते हुए और मुझे एक प्राउड फील होता है कि एक सिंगल सब्जेक्ट लेकर भी मैं अपनी जगह पर बैठी। इसका रीजन है कि हम शुरू से ही एक ऐसे ही प्रैक्टिस, जो गलत प्रैक्टिस जो चल रही है स्टूडेंट्स के बीच में, कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए अलग कोचिंग लेते हैं और एनसीईआरटी के लिए अलग, लेकिन हमने हमेशा से एक बैलेंसिंग रखी और हर एक लेसन को जब भी हमने पढ़ाया तो एंड उसका हुआ जाकर कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस पर। इसका मतलब कि फर्स्ट यू हैव टू डू द थियोरेटिकल पोर्शन, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स एंड देन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस तरह से एक लेसन को पूरा करने के बाद हमने ये देखा कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जिन बच्चों के बोर्ड्स में, मेरे यहाँ पर 90+ वाले बहुत बच्चे होते हैं जिनके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, वही बहुत से बच्चे मेडिकल में भी निकले हैं, पैक में निकले हैं और आईआईटी कॉलेजेस में भी निकले हैं। इसका मतलब कि बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन में अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रखें तो ही अच्छा रहता है और दोनों सेम रिजल्ट आपको देते हैं। कितने मैम बच्चे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपके जो टॉपर्स रहे हैं और कहां कहां पे प्लेसमेंट्स हुई हैं? अब तक जितने बच्चे हुए उनका जो रिकॉर्ड मैंने रखा है वो है पैक में है, निट में है, निट वारंगल तक मेरे बच्चे गए हैं, आईआईटी कॉलेजेस में गए हैं, पैक में तो मेरे गर्ल्स के भी बहुत से कैंडिडेट्स वहां गए हैं। इस समय पैक से पढ़े हुए बच्चे और पढ़ रहे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, यूआईटी, सीसीईटी और थापर।
बाकी रही बात जो रीजनल कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा कंपटीशन बेस्ड नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स हम लोग नहीं रखते, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पर मेरे बच्चे पहुंच ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को हम सीबीएसई के एग्जाम के लिए और जेईई के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? बस अब बोर्ड्स के लिए तो बहुत कम समय बाकी है, तो हम चाहते हैं कि वो एक क्विक रिवीजन तीनों टॉपिक्स ही अपने ले लें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और एक बार जस्ट रीड कर लें, ये ना सोचें कि उन्हें रटा या नहीं रटा, बस एक बार थॉरली पढ़कर चले जाएं, अपने आप में एक विश्वास रखें, पूरा साल आपने पढ़ाई की है तो इसका मतलब कि आपको वहां भी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये थे मैडम अंजू, लैटिस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के जो है ओनर है और फैकल्टी है, और उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को जो है ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने सब कुछ कर रखा है या सब कुछ मुझे आता है, एक बार रिवीजन की तरफ जरूर जाएं और चीजों को जो है पढ़ें, जरूर दोबारा रिवाइज करें ताकि जो है वो बढ़िया तरीके से स्कोर कर सके। धन्यवाद। अर्थ प्रकाश के लिए साजन शर्मा, कैमरामैन मनीष के साथ। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।